तो नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल पर। सबसे पहले आज 5 सितंबर है तो आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स, हमारे जूनियर्स, हमारे विद्यार्थियों के द्वारा ही हम सभी लगातार आप सभी के लिए वर्क कर रहे हैं और हमें खुशी तब मिलती है कि आप सभी लगातार प्यार देते हैं। तो उस प्यार के लिए शिक्षक दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी शुभकामनाएं प्रेषित हमारे लिए कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सीयूईटी यूजी 2024 स्पॉट राउंड से पहले कितनी सीटें बाकी हैं, इसको लेकर के मीडिया एजेंसी के द्वारा कुछ खबरें आई हैं, इन खबरों पर विशेष नजर डालेंगे। साथ में वेबसाइट पर क्या अपडेट होने वाली है उस पर भी चर्चा करेंगे, इसलिए कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल फॉर सीयूईटी यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन व्हाट्सएप नंबर है हमारा 9336257345। साथ में सीयूईटी यूजी की तैयारी के लिए स्टडी कैपिटल के ऐप पर कोर्सेज का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 21 सितंबर से क्लासेज स्टार्ट होने जा रही है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी सभी कोर्सेज की। तो आपकी स्क्रीन पर जो मैं इस समय न्यूज़पेपर दिखा रहा हूं, इसके सबसे पहले जो इसमें लिखा जा रहा है उसको मैं पढ़ के सुनाता हूं, फटाफट से सुनाऊंगा, सुनिएगा, उसके बाद इसकी एनालिसिस आप तक पहुंचाऊंगा। प्रवेश लेकर निरस्त कराने की से बड़ी चिंता, 4 साल बाद सीटें भरने पर बीएचयू राहत में तो है तो दूसरी तरफ एडमिशन के बाद अभ्यर्थियों का सीट कैंसिलेशन माथे पर बल डाल रहा है। सोमवार की रात संपन्न हुए अंतिम चक्र के प्रवेश के बाद लगभग 800 छात्रों ने अपना प्रवेश निरस्त करा लिया, यानी उन्होंने एडमिशन विड्रॉ कराया है। बीएचयू में स्नातक प्रवेश में अब 550 सीटें बाकी रह गई हैं। इन सीटों पर प्रवेश के लिए 9 सितंबर से मॉपअप राउंड चलाया जाएगा। बीएचयू में स्नातक विषयों की प्रवेश प्रक्रिया कुल 8,894 सीटें भरी जानी थी, 4 चक्रों में लगभग 7,500 से ज्यादा सीटों पर छात्रों ने प्रवेश ले लिया है। इस बीच प्रवेश निरस्त कराने के भी छिटपुट मामले आते रहे। सोमवार को अंतिम चरण के प्रवेश के साथ ही कैंसिलेशन का दौर भी शुरू हुआ, जिसके चलते अधिकारियों के माथे पर पसीना आ गया। मंगलवार को भी लगभग 2 दर्जन सीटें कैंसिल कराई गई। बची हुई सीटों को भरने के लिए बीएचयू ने स्नातक में भी मॉपअप राउंड चलाएगा। इससे पहले 5 से 7 सितंबर तक अपग्रेडेशन और 9 से 11 सितंबर तक स्पॉट राउंड का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। 12 से 14 सितंबर तक सीटों का आवंटन और ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। बाकी यहां कहा जा रहा है कि बीएचयू केंद्रीय प्रवेश समिति के अध्यक्ष प्रोफेसर भास्कर भट्टाचार्य ने बताया कि मंगलवार को पीजी विषयों के लिए स्पॉट राउंड शुरू हुआ। पहले दिन लगभग 600 छात्रों ने काउंसलिंग में पहुंचे, सत्यापन के बाद उन्हें सीट आवंटित की जाएगी। काउंसलिंग प्रक्रिया बुधवार को भी जारी रहेगी। ये एक आप सभी के लिए अपडेट है स्पॉट राउंड की सीटों से संबंधित, कि लगभग 550 यहाँ पर चर्चा किया जा रहा है कि 550 सीटें बाकी रह गई थी आपके रेगुलर राउंड के आसपास, और उसके बाद जो सीटों का विड्रॉ हुआ उसमें देखा गया कि लगभग 8,894 सीटों में 7,500 सीटें ही भरी जा सकी हैं, यानी कुछ सीटें अभी अच्छी खासी संख्या में सीटें बाकी हैं। अगर इसको हम नजर डालें और हम सीधा चले bhuac.in की वेबसाइट पर, कि क्या bhuac.in वेबसाइट पर सीटों को लेकर के कोई अपडेट हुआ है क्या, तो मैं आपको अपडेट एकदम बिल्कुल सामने से ही दिखाता हूं। तो यहां आप देखेंगे तो काउंसलिंग का जो शेड्यूल है 4th राउंड का, इसको मैं आपके सामने ओपन करता हूं, तो अभी आप देखेंगे यहां से 4th राउंड का और स्पॉट राउंड का जो शेड्यूल है वही जारी किया गया है, यानी डिपार्टमेंट वाइज, फैकल्टी वाइज अभी सीटें कितनी बाकी हैं इसका जवाब बीएचयू ने नहीं दिया है। संभवतः आपका जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा स्पॉट राउंड का, उससे पहले बीएचयू के द्वारा सीटों की पूरी एनालिसिस निकल के आएगी, उसके लिए आप इंतजार करिए। उसका अपडेट कहाँ मिलेगा तो हम इसी चैनल पर पहुंचाएंगे, उसके लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये वीडियो, ये अपडेट सही लगा हो, आपको लगा हो कि एकदम इंटरनल अपडेट्स, जितनी भी मीडिया एजेंसीज में अपडेट्स आती हैं वो समय तक आपसे पहुंच रही हैं, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, नंबर ऑफ सीट्स पर वीडियो बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।